बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं विद चिकन, बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। एक पैन में मैंने 4 गिलास पानी लिया है, 1 टेबल स्पून नमक डाला है इसमें और 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। पानी हम जब खौल आएगी तो 1 पैकेट पास्ते का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। बहुत मज़े का लगता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। तकरीबन 60-70% डन हो चुका है हमारा पास्ता। थोड़ा सा और पकाएंगे, उसके बाद स्ट्रेन करके मैं इसको ठंडे पानी में करके रख दूंगी ताकि पास्ता चिपके नहीं। हो चुका है, एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं। 7 से 8 जवे लहसुन के मैंने फाइन चॉप कर लिए, उसको डाल रही हूँ मैं। जरा सा छिलका आ गया इसका, इसको निकाल देते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। 100 ग्राम मैंने चिकन लिया था जो जूलियन कट कर लिया है, उसको ऐड किया है। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। हाफ टी स्पून क्रश चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर क्रश किया वो डाला है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है। थोड़ा सा स्पाइसी टच देंगे, हमारे यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी खाया जाता है। ये देखें, 1 गाजर थी जो मैंने जूलियन कट कर ली थी और 1 शिमला मिर्च, इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था, ऐड कर रही हूँ अब इसको। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे इसको ताकि सब्जियाँ नरम ना हो, हल्के हल्के सौते करेंगे इसको। 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको पकाएंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ जिससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसमें ग्लेज भी अच्छा आ जाता है, कलर बहुत अच्छा आता है। एक कप मैंने केचप लिया है जिसमें हाफ मैंने केचप और हाफ चिली गार्लिक सॉस लिया है, इसको मिक्स किया है। उसके बाद हम पास्ता ऐड कर रहे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत टेस्टी लगता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही इजी है, बहुत क्विक बन जाता है। कोई आ जाए आप फटाफट इसको स्नैक्स के तौर पर बना के दे दें इसको। क्विक एंड ईजी डिश है ये, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैंने गार्निश किया है कोरिएंडर से। देखें कितना खूबसूरत सा हमारा पास्ता रेडी है, रेड सॉस पास्ता, और इतना आसान है कि हर कोई बना सकता है इसको। बहुत इजी मेथड है इसका, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी है। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें मेरे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।